गैंगस्टर ठेठ की हत्या साजिश आखिर किसने रची है, ये सवाल सबके मन में। आज हम बड़ा प्रश्न करने जा रहे हैं कि आखिर राजू ठेठ की हत्या किसने करवाई, साजिश किसने रची, शूटर्स को किसने भेजा। शूटर्स गिरफ्तार किए जा चुके हैं लेकिन मास्टरमाइंड कौन है? आप देख रहे हैं देश का नंबर वन न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और मैं भवानी सिंह। तो राजू ठेठ के मामले में बड़ा खुलासा हम करने जा रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पर। आप पहली बार देख रहे हैं कि राजू ठेठ की हत्या की साजिश इसी शख्स ने, जो तस्वीरें आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये शख्स है रोहित गोदारा, जो तस्वीरों में आपको नजर आ रहा है, गैंगस्टर रोहित गोदारा। आपने नाम इसका सुना होगा, रोहित गोदारा का नाम दूसरी बार बड़े रूप में आ रहा। पहली बार इसका नाम आया था मूसेवाला हत्याकांड में। ये रोहित गोदारा गैंगस्टर, लॉरेंस गैंग का गैंगस्टर है रोहित गोदारा, और इसी ने राजू ठेठ की दो दिन पहले हत्या करवाई थी सीकर के अंदर। सीकर में वो तस्वीरें, सीसीटीवी फुटेज आपने देखे होंगे कि किस तरीके से शूटर, चार शूटर आए थे मौके पर, एक शूटर और था जो दूसरी तरफ खड़ा था, चार शूटर आए और उसके बाद में राजू ठेठ अपने घर के बाहर खड़ा था, दहलीज पर खड़ा था। आए चार शूटर में से दो शूटर आगे आए, उन्होंने राजू ठेठ के पैर छुए, फिर सेल्फी ली और फिर राजू ठेठ की कनपटी पर बंदूक रखी, पिस्टल रखी और उसे गोलियों से भून दिया। फिर उसके बाद में एक के बाद एक दनादन उस पर 25 राउंड फायरिंग की। तो सभी के मन में इस सवाल है कि आखिर इतना बड़ा शूट आउट हो कैसे गया, वो भी एक बड़े कोचिंग सेंटर के बाहर, बड़ी एक भीड़ भाड़ वाली जगह जहां पर बड़ी संख्या के अंदर स्टूडेंट है, बड़ी सी रोड, बड़ा सा चौराया, सब कुछ कैसे हुआ। तो अब जो सामने आया न्यूज 18 इंडिया की तहकीकात में सामने आया कि शूट आउट को अंजाम दिया है रोहित गोदारा ने। रोहित गोदारा अभी फरार है। रोहित गोदारा मूसेवाला हत्याकांड में नाम आने के बाद में वो बीकानेर से दुबई गया, दुबई से अजरबैजान चला गया, नाम बदल कर गया था, पवन नाम से उसने पासपोर्ट बनाया, और अजरबैजान से अभी कहा जा रहा है कि वो इटली के अंदर है और उसने विदेश में बैठे हुए इस शूट आउट को अंजाम दिया राजू ठेठ को। राजू ठेठ की हत्या कैसे की गई, ये भी बड़ा सवाल है। रोहित गोदारा नहीं, वो विदेशी हथियार, क्योंकि जो उनके पास हथियार मिले शूटर्स के पास में, वो किसी लोकल गैंग के पास में संभव नहीं थे। रोहित गोदारा ने वो हथियार उपलब्ध कराए थे और इन शूटर में से पांच में से एक मनीष जाट का नाम का शूटर है, मनीष जाट से ही संपर्क में था रोहित गोदारा। इस शूटआउट की साजिश एक महीने पहले रच ली थी और तकरीबन डेढ़ महीने पहले हथियार पहुंचा दिए गए थे शूटर्स को, फिर शूटर्स को ट्रेनिंग दी गई और रोहित गोदारा ने ट्रेनिंग का इंतजाम किया था इन शूटर्स को कि किस तरीके से इस शूटआउट को अंजाम दिया जाना, उसके लिए पहले से जो हथियार उपलब्ध कराए गए थे वो ठीक से चला सके, इसकी ट्रेनिंग रोहित गोदारा ने इसका इंतजाम किया था मनीष जाट के जरिए। मनीष जाट लोकली यहाँ पर, क्योंकि रोहित गोदारा विदेश में बैठा हुआ था इसलिए एक शख्स चाहिए था, मनीष जाट यहाँ पर इसको लीड कर रहा था ऑपरेशन को। मनीष जाट पकड़ा गया, जो पांच शूटर पकड़े गए उसमें से एक मनीष जाट भी है। तो तमाम हथियार उस तक पहुंचाए गए, फिर उसके बाद में ट्रेनिंग हुई, उसके बाद में साजिश रची गई। साजिश के तहत शूटर्स का, तीन शूटर का एडमिशन कराया गया, जो सामने राजू ठेठ के घर के सामने जो बड़ा नामी कोचिंग इंस्टीट्यूट है उसमें एडमिशन कराया गया। एडमिशन कराने के बाद बतौर स्टूडेंट के तौर पर एडमिशन लिया, क्योंकि वो मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा था कोचिंग इंस्टीट्यूट, उसमें एडमिशन दिलाया गया। और उसके बाद में क्योंकि वो स्टूडेंट के रूप में इसलिए कोई शक नहीं करे, फिर पास में ही एक हॉस्टल है, प्राइवेट हॉस्टल है जिसके अंदर वो रहने लगे और 31 अक्टूबर से लेकर शूट आउट को अंजाम देने तक ये शूटर्स यहीं रह रहे थे। और उसके बाद में रोहित गोदारा मनीष के जरिए संपर्क में था, और जिस वक्त इस शूट आउट को अंजाम दिया गया उससे पहले उनको बाकायदा सभी एक डिवाइस के जरिए कनेक्ट थे, उनके पास में सभी शूटर्स के पास में एक डिवाइस था जिससे आपस में बात कर सकते हैं और उसी डिवाइस से रोहित गोदारा कनेक्ट था। तो किस वक्त गोली मारनी है, कौन पहले गोली मारेगा, उसके बाद में कौन कहां से गोली मारेगा राजू ठेठ को, सब कुछ प्लान था, पूरे प्लान के मुताबिक हुआ था।
एक महीने की रेकी के बाद में जब सब कुछ तय हो गया, रोहित गोदारा ने सारी डिटेल्स ले ली थी कि राजू ठेठ कब बाहर आता है घर से, कब अंदर जाता है, तमाम डिटेल लेने के बाद में इस शूट आउट को अंजाम दिया गया। जब इशारा वहां से रोहित गोदारा ने इशारा कर दिया, तब मनीष जाट जो यहां पर लीड कर रहा था शूटर्स को, उसने ऑपरेशन को अंजाम दिया। और उसके बाद में जैसे ही मनीष जाट ने इशारा किया, एक शूटर ने गोली मारी, सर के अंदर गोली मारी, और उसके बाद में एक एक करके सभी शूटर्स ने राजू ठेठ को भून दिया। उसके एक सर में गोली मारी, इसके अलावा बाकी कंधे और चेस्ट के अंदर गोलियां लगी, 25 गोलियां भून दिया गया उसका शरीर का ऊपर का हिस्सा। ये अब सवाल ये है सबसे बड़ा कि आखिर रोहित गोदारा की राजू ठेठ से क्या दुश्मनी थी, क्यों इस शूटआउट को अंजाम दिया गया, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसी को जानना होगा, इसी को समझना होगा। दरअसल ये राजस्थान के अंदर गैंग की वर्चस्व की लड़ाई थी, और राजस्थान के अंदर आनंद पाल कभी सबसे बड़ा गैंगस्टर हुआ करता था। आनंद पाल की गैंग की तूती बोलती थी। फिर जब 2017 में आनंद पाल का खात्मा हो गया, जब राजस्थान पुलिस ने एनकाउंटर में आनंद पाल को ढेर कर दिया, उसके बाद में आनंद पाल की गैंग बिखर गई। और आनंद पाल की गैंग दो तीन हिस्सों में बिसी, इसलिए एक हिस्सा इससे लॉरेंस गैंग के साथ में जुड़ गया, और इसी बीच में एक नई गैंग और खड़ी हुई, रोहित गोदारा की गैंग। रोहित गोदारा राजस्थान के बीकानेर के कपूरीसर ग्राम पंचायत है, वहां का रहने वाला है। 19 साल की उम्र में के अंदर रोहित गोदारा इस क्राइम की दुनिया के अंदर आ गया, और 15 बार जेल जा चुका है। तकरीबन 15 से ज्यादा उस पर रंगदारी के, फिरौती के, हत्या के केस हैं। वो राजस्थान के अंदर आनंद पाल जैसा ही बड़ा गैंगस्टर बनना चाहता था। उसकी तमन्ना ये है कि राजस्थान में आनंद पाल की जगह ले, एक छत्र राजस्थान के अंदर जुर्म की दुनिया में उसका राज हो। लेकिन उसके बीच में रुकावट बना राजू ठेठ। राजू ठेठ की गैंग और आनंद पाल की गैंग के बीच में वर्चस्व की लड़ाई थी, और जब आनंद पाल की गैंग बिखर गई, उसके बाद में राजस्थान के अंदर जुर्म की दुनिया में राज हो गया राजू ठेठ का। राजू ठेठ की, जब तक राजू ठेठ जिंदा है तब तक राजू ठेठ की गैंग मजबूत है, तब तक दूसरे गैंगस्टर के लिए आसान नहीं था राजस्थान में अपने आप को सुप्रीमो बताना जुर्म की दुनिया के अंदर। तो इसीलिए रोहित गोदारा ने जब ये सपना देखा कि वो राजस्थान के अंदर वो सबसे बड़ा गैंगस्टर बने, उसकी गैंग बड़ी हो, तो उसकी राह में रुकावट थी राजू ठेठ की गैंग, और वहीं से ये साजिश रची गई। और रोहित गोदारा एक मोनू गैंग के नाम से, उसकी जो गैंग का नाम है वो मोनू ग्रुप के नाम से चलाता है। लोकल ये जो बीकानेर का एरिया, बीकानेर चूरू सीकर जो एरिया है, शेखावाटी का, मारवाड़ और शेखावाटी का एरिया, वहाँ इसकी गैंग ऑपरेट होती थी। इसने हाथ मिला दिया लॉरेंस गैंग के साथ में, फिर लॉरेंस गैंग का मेन गैंगस्टर राजू ठेठ, जो रोहित गोदारा मेन गैंगस्टर बन चुका। और उसके बाद में इसने जो आनंद, उसके बाद में ये जब मूसेवाला हत्याकांड हुआ था, उसमें अहम भूमिका निभाई थी। उसमें जो हथियार उपलब्ध कराने का काम किया था वो रोहित गोदारा ने ही किया था। मूसेवाला हत्याकांड में जो खास तौर पर एक कार गाड़ी उपलब्ध कराई दी थी, जो सीकर से जो शूटर जा रहे थे हत्या करने के लिए मूसेवाला की, उनके लिए एक बोलेरो जीप का इंतजाम किया था, और पीछे से हथियार उपलब्ध कराने में भी एक भूमिका निभाई थी। उसमें मूसेवाला हत्याकांड में इसकी तलाश थी रोहित गोदारा की दिल्ली पुलिस को, पंजाब पुलिस को, और ये इस बीच में फर्जी पासपोर्ट बनाकर फर्जी आईडी से ये पहुंच गया अजरबैजान। और इस बीच में इसने वहां जाकर भी जो काम अपना, जो गैंगस्टर का काम है वो जारी रखा। ये फिर उसके बाद में जो लॉरेंस गैंग है, लॉरेंस गैंग का जो वसूली करने वाले गैंगस्टर हैं उनमें से मेन बन गया, और उसके बाद में फिरौती के लिए कॉल करता था। इसने जयपुर के अंदर एक बड़े कारोबारी को, एक कॉन्ट्रैक्टर जिनसे 17 करोड़ की फिरौती मांगी थी, उस 17 करोड़ की फिरौती के मामले में पहले से जयपुर पुलिस तलाश कर रही है। जयपुर पुलिस ने लुकआउट नोटिस जारी किया रोहित गोदारा को लेकर, इंटरपोल से मदद मांगी, और अब जब इसका नाम यहाँ आ गया
थोड़ा इंतजार करना होगा कि राजस्थान पुलिस अभी क्योंकि पूरे केस की तहकीकात कर रही है, आने वाले दिनों में पूरा खुलासा करेगी। अभी न्यूज 18 इंडिया खुलासा कर रहा है जो इनपुट के आधार पर, उसके बाद में इस केस में भी हो सकता हो कि राजस्थान पुलिस इंटरपोल की मदद मांगे कि रोहित गोदारा, तो एक तरह से रोहित गोदारा ने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया और इसमें आनंदपाल गैंग की भी कुछ भूमिका है, क्योंकि जो मनीष जाट है, मनीष जाट आनंदपाल का ड्राइवर रह चुका, आनंदपाल गैंग में शामिल रह चुका, एक विक्रम नाम का और शूटर है वो भी आनंदपाल गैंग का हिस्सा रहे, तो आनंदपाल गैंग जो बिखर गई थी उसके कुछ गैंगस्टर भी इसमें शामिल थे, और क्योंकि आनंदपाल गैंग और राजू ठेठ गैंग में पुरानी दुश्मनी थी तो जाहिर तौर पर उनके लिए राजू ठेठ पहले से दुश्मन है, और रोहित गोदारा क्योंकि राजस्थान के अंदर आनंदपाल के बाद में वो बड़ा गैंगस्टर बनना चाहता था, उसकी सीधी दुश्मनी थी, तो राजू ठेठ को इसीलिए रास्ते से हटाने के लिए उसका शूट आउट कराया गया, और खुद उसकी हत्या के बाद में एक सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी रोहित गोदारा ने, रोहित गोदारा ने पोस्ट करके जिम्मेदारी भी ली थी कि राजू ठेठ की हत्या उसने कराई और आनंदपाल का बदला लेने के लिए, और आनंदपाल का इनकाउंटर हालांकि पुलिस ने किया लेकिन क्योंकि राजू ठेठ से दुश्मनी थी। दूसरा जो बलबीर बानुड़ा आनंदपाल का साथी था जिसका जेल के अंदर हत्या कर दी गई, आरोप यह था कि राजू ठेठ गैंग ने उसकी हत्या कराई थी, कहा कि इन दोनों का बदला लेने के लिए राजू ठेठ की हत्या उसने की, ये जिम्मेदारी वो जिस दिन शूटआउट हुआ उसी दिन ये जिम्मेदारी सोशल मीडिया पर रोहित गोदारा पहले ही ले चुका था, लेकिन क्योंकि इन्वेस्टिगेशन हो रहा था कि क्या रोहित गोदारा ही इसके पीछे है या और कोई है, लेकिन अब जो सामने आ रहा है कि रोहित गोदारा ही इसके पीछे, और उसने सोशल मीडिया पोस्ट पर एक उसी दौरान उस पोस्ट में लिखा था कि हमारे दूसरे दुश्मन भी तैयार हो जाए तो क्या राजस्थान के अंदर फिर गैंगवार बढ़ेगी, और क्या राजू ठेठ के बाद में फिर लॉरेंस गैंग के निशाने पर, फिर रोहित गोदारा गैंग के निशाने पर और भी गैंगस्टर है, ये बड़ी चिंता की और चेतावनी की बात है जाहिर तौर पर राजस्थान पुलिस के लिए भी कि और कौन से ऐसे गैंगस्टर है जिनको रोहित गोदारा रास्ते से हटाने के लिए अपने निशाने पर ले सकता है। तो लगातार इसमें जो जो जानकारी आती है जाएगी हम आपके सामने लाते जाएंगे, फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया। गैंगस्टर राजू ठेठ की हत्या साजिश आखिर किसने रची है, ये सवाल सबके मन में है। आज हम बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं कि आखिर राजू ठेठ की हत्या किसने करवाई, साजिश किसने रची, शूटर्स को किसने भेजा, शूटर्स गिरफ्तार किए जा चुके हैं लेकिन मास्टरमाइंड कौन है। आप देख रहे हैं देश का नंबर वन न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और मैं भवानी सिंह। तो राजू ठेठ के मामले में बड़ा खुलासा हम करने जा रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पर, आप पहली बार देख रहे हैं कि राजू ठेठ की हत्या की साजिश इसी शख्स ने, जो तस्वीरें आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये शख्स है रोहित गोदारा, जो तस्वीरों में आपको नजर आ रहा है गैंगस्टर रोहित गोदारा, आपने नाम इसका सुना होगा, रोहित गोदारा का नाम दूसरी बार बड़े रूप में आ रहा, पहली बार इसका नाम आया था मूसेवाला हत्याकांड में। ये रोहित गोदारा गैंगस्टर लॉरेंस गैंग का गैंगस्टर है रोहित गोदारा, और इसी ने राजू ठेठ की दो दिन पहले हत्या करवाई थी सीकर के अंदर। सीकर में वो तस्वीरें सीसीटीवी फुटेज आपने देखे होंगे कि किस तरीके से शूटर, चार शूटर आए थे मौके पर, एक शूटर और था जो दूसरी तरफ खड़ा था, चार शूटर आए और उसके बाद में राजू ठेठ अपने घर के बाहर खड़ा था, दहलीज पर खड़ा था, आए चार शूटर में से दो शूटर आगे आए, उन्होंने राजू ठेठ के पेट छुए, फिर सेल्फी ली और फिर राजू ठेठ की कनपटी पर बंदूक रखी, पिस्टल रखी और उसे गोलियों से भून दिया, फिर उसके बाद में एक के बाद एक दनादन उस पर 25 राउंड फायरिंग की। तो सभी के मन में इस सवाल है कि आखिर इतना बड़ा शूट आउट हो कैसे गया, वो भी एक बड़े कोचिंग सेंटर के बाहर, बड़ी एक भीड़ भाड़ वाली जगह जहां पर बड़ी संख्या के अंदर स्टूडेंट है, बड़ी सी रोड, बड़ा सा चौराया, सब कुछ कैसे हुआ। तो अब जो सामने आया न्यूज 18 इंडिया की तहकीकात में सामने आया कि शूट आउट को अंजाम दिया है रोहित गोदारा ने,
रोहित गोदारा अभी फरार है। रोहित गोदारा मूसेवाला हत्याकांड में नाम आने के बाद में वो बीकानेर से दुबई गया, दुबई से अजरबैजान चला गया, नाम बदल कर गया था, पवन नाम से उसने पासपोर्ट बनाया, और अजरबैजान से अभी कहा जा रहा है कि वो इटली के अंदर है और उसने विदेश में बैठे हुए इस शूटआउट को अंजाम दिया राजू ठेठ को। राजू ठेठ की हत्या कैसे की गई ये भी बड़ा सवाल है। रोहित गोदारा नहीं वो विदेशी हथियार, क्योंकि जो उनके पास हथियार मिले शूटर्स के पास में वो किसी लोकल गैंग के पास में संभव नहीं थे। रोहित गोदारा नहीं वो हथियार उपलब्ध कराए थे, और इन शूटर में से पांच में से एक मनीष जाट का नाम का शूटर है, मनीष जाट से ही संपर्क में था रोहित गोदारा। इस शूटआउट की साजिश एक महीने पहले रच ली थी और तकरीबन डेढ़ महीने पहले हथियार पहुंचा दिए गए थे शूटर्स को, फिर शूटर्स को ट्रेनिंग दी गई और रोहित गोदारा ने ट्रेनिंग का इंतजाम किया था इन शूटर्स को कि किस तरीके से इस शूटआउट को अंजाम दिया जाना, उसके लिए पहले से जो हथियार उपलब्ध कराए गए थे वो ठीक से चला सकें, इसकी ट्रेनिंग रोहित गोदारा ने इसका इंतजाम किया था मनीष जाट के जरिए। मनीष जाट लोकली यहाँ पर, क्योंकि रोहित गोदारा विदेश में बैठा हुआ था इसलिए एक शख्स चाहिए था, मनीष जाट यहाँ पर इसको लीड कर रहा था ऑपरेशन को। मनीष जाट पकड़ा गया, जो पांच शूटर पकड़े गए उसमें से एक मनीष जाट भी है। तो तमाम हथियार उस तक पहुंचाए गए, फिर उसके बाद ट्रेनिंग हुई, उसके बाद में साजिश रची गई। साजिश के तहत शूटर्स का, तीन शूटर का एडमिशन कराया गया जो सामने राजू ठेठ के घर के सामने जो बड़ा नामी कोचिंग इंस्टीट्यूट है उसमें एडमिशन कराया गया। एडमिशन कराने के बाद बतौर स्टूडेंट के तौर पर एडमिशन लिया, क्योंकि वो मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी कराता कोचिंग इंस्टीट्यूट, उसमें एडमिशन दिलाया गया। और उसके बाद में क्योंकि वो स्टूडेंट के रूप में इसलिए कोई शक नहीं करे, फिर पास में ही एक हॉस्टल है, प्राइवेट हॉस्टल है जिसके अंदर वो रहने लगे, और 31 अक्टूबर से लेकर शूटआउट को अंजाम देने तक ये शूटर्स यहीं रह रहे थे। और उसके बाद में रोहित गोदारा मनीष के जरिए संपर्क में था, और जिस वक्त इस शूटआउट को अंजाम दिया गया उससे पहले उनको बाकायदा सभी एक डिवाइस के जरिए कनेक्ट थे, उनके पास में सभी शूटर्स के पास में एक डिवाइस था जिससे आपस में बात कर सकते हैं, और उसी डिवाइस से रोहित गोदारा कनेक्ट था। तो किस वक्त गोली मारनी है, कौन पहले गोली मारेगा, उसके बाद में कौन कहां से गोली मारेगा राजू ठेठ को, सब कुछ प्लान था, पूरे प्लान के मुताबिक हुआ था। एक महीने की रेकी के बाद में जब सब कुछ तय हो गया, रोहित गोदारा ने सारी डिटेल्स ले ली थी कि राजू ठेठ कब बाहर आता है घर से, कब अंदर जाता है, तमाम डिटेल लेने के बाद में इस शूटआउट को अंजाम दिया गया। जब इशारा वहां से रोहित गोदारा ने इशारा कर दिया, तब मनीष जाट जो यहां पर लीड कर रहा था शूटर्स को उसने ऑपरेशन को अंजाम दिया। और उसके बाद में जैसे ही मनीष जाट ने इशारा किया, एक शूटर ने गोली मारी, सर के अंदर गोली मारी, और उसके बाद में एक एक करके सभी शूटर्स ने राजू ठेठ को भून दिया, उसके एक सर में गोली मारी, इसके अलावा बाकी कंधे और चेस्ट के अंदर गोलियां लगी, 25 गोलियां भून दिया गया उसका शरीर का ऊपर का हिस्सा। ये अब सवाल ये है सबसे बड़ा कि आखिर रोहित गोदारा की राजू ठेठ से क्या दुश्मनी थी, क्यों इस शूटआउट को अंजाम दिया गया, ये सबसे बड़ा सवाल है, इसी को जानना होगा, इसी को समझना होगा। दरअसल ये राजस्थान के अंदर गैंग की वर्चस्व की लड़ाई थी, और राजस्थान के अंदर आनंद पाल कभी सबसे बड़ा गैंगस्टर हुआ करता था, आनंद पाल की गैंग की तूती बोलती थी। फिर जब 2017 में आनंद पाल का खात्मा हो गया, जब राजस्थान पुलिस ने एनकाउंटर में आनंद पाल को ढेर कर दिया, उसके बाद में आनंद पाल की गैंग बिखर गई, और आनंद पाल की गैंग दो तीन हिस्सों में बिसी, इसलिए एक हिस्सा इससे लॉरेंस गैंग के साथ में जुड़ गया, और इसी बीच में एक नई गैंग और खड़ी हुई, रोहित गोदारा की गैंग। रोहित गोदारा राजस्थान के बीकानेर के कपूरीसर ग्राम पंचायत है वहां का रहने वाला है। 19 साल की उम्र में के अंदर रोहित गोदारा इस क्राइम की दुनिया के अंदर आ गया, और 15 बार जेल जा चुका है, तकरीबन 15 से ज्यादा उस पर रंगदारी के, फिरौती के, हत्या के केस हैं। वो राजस्थान के अंदर आनंद पाल जैसा ही बड़ा गैंगस्टर बनना चाहता था, उसकी तमन्ना ये है कि राजस्थान में आनंद पाल की जगह ले, एक छत्र राजस्थान के अंदर जुर्म की दुनिया में उसका राज हो।
लेकिन उसके बीच में रुकावट बना राजू ठेठ। राजू ठेठ की गैंग और आनंद पाल की गैंग के बीच में वर्चस्व की लड़ाई थी, और जब आनंद पाल की गैंग बिखर गई उसके बाद में राजस्थान के अंदर जुर्म की दुनिया में राज हो गया राजू ठेठ का। राजू ठेठ की, जब तक राजू ठेठ जिंदा है तब तक राजू ठेठ की गैंग मजबूत है, तब तक दूसरे गैंगस्टर के लिए आसान नहीं था राजस्थान में अपने आप को सुप्रीमो बताना जुर्म की दुनिया के अंदर। तो इसीलिए रोहित गोदारा ने जब ये सपना देखा कि वो राजस्थान के अंदर वो सबसे बड़ा गैंगस्टर बने, उसकी गैंग बड़ी हो, तो उसकी राह में रुकावट थी राजू ठेठ की गैंग, और वहीं से ये साजिश रची गई। और रोहित गोदारा एक मोनू गैंग के नाम से, उसकी जो गैंग का नाम है वो मोनू ग्रुप के नाम से चलाता है लोकल, ये जो बीकानेर का एरिया है, बीकानेर चूरू सीकर जो एरिया है, शेखावाटी का, मारवाड़ और शेखावाटी का एरिया, वहाँ इसकी गैंग ऑपरेट होती थी। इसने हाथ मिला दिया लॉरेंस गैंग के साथ में, फिर लॉरेंस गैंग का मेन गैंगस्टर राजू ठेठ, जो रोहित गोदारा मेन गैंगस्टर बन चुका, और उसके बाद में इसने जो आनंद, उसके बाद में ये जब मूसेवाला हत्याकांड हुआ था उसमें अहम भूमिका निभाई थी, उसमें जो हथियार उपलब्ध कराने का काम किया था वो रोहित गोदारा ने ही किया था। मूसेवाला हत्याकांड में जो खास तौर पर एक कार गाड़ी उपलब्ध कराई दी थी जो सीकर से जो शूटर जा रहे थे हत्या करने के लिए मूसेवाला की, उनके लिए एक बोलेरो जीप का इंतजाम किया था और पीछे से हथियार उपलब्ध कराने में भी एक भूमिका निभाई थी। उसमें मूसेवाला हत्याकांड में इसकी तलाश थी रोहित गोदारा की दिल्ली पुलिस को, पंजाब पुलिस को, और ये इस बीच में फर्जी पासपोर्ट बनाकर फर्जी आईडी से ये पहुंच गया अजरबैजान, और इस बीच में इसने वहां जाकर भी जो काम अपना जो गैंगस्टर का काम है वो जारी रखा। ये फिर उसके बाद में जो लॉरेंस गैंग है, लॉरेंस गैंग का जो वसूली करने वाले गैंगस्टर हैं उनमें से मेन बन गया, और उसके बाद में फिरौती के लिए कॉल करता था। इसने जयपुर के अंदर एक बड़े कारोबारी को, एक कॉन्ट्रैक्टर जिनसे 17 करोड़ की फिरौती मांगी थी, उस 17 करोड़ की फिरौती के मामले में पहले से जयपुर पुलिस तलाश कर रही है। जयपुर पुलिस ने लुकआउट नोटिस जारी किया रोहित गोदारा को लेकर, इंटरपोल से मदद मांगी, और अब जब इसका नाम यहाँ आ गया, थोड़ा इंतजार करना होगा कि राजस्थान पुलिस अभी क्योंकि पूरे केस की तहकीकात कर रही है, आने वाले दिनों में पूरा खुलासा करेगी। अभी न्यूज 18 इंडिया खुलासा कर रहा है जो इनपुट के आधार पर, उसके बाद में इस केस में भी हो सकता हो कि राजस्थान पुलिस इंटरपोल की मदद मांगे कि रोहित गोदारा, तो एक तरह से रोहित गोदारा ने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया, और इसमें आनंद पाल गैंग की भी कुछ भूमिका है, क्योंकि जो मनीष जाट है, मनीष जाट आनंद पाल का ड्राइवर रह चुका, आनंद पाल गैंग में शामिल रह चुका, एक विक्रम नाम का और शूटर है वो भी आनंद पाल गैंग का हिस्सा रहे, तो आनंद पाल गैंग जो बिखर गई थी उसके कुछ गैंगस्टर भी इसमें शामिल थे, और क्योंकि आनंद पाल गैंग और राजू ठेठ गैंग में पुरानी दुश्मनी थी तो जाहिर तौर पर उनके लिए राजू ठेठ पहले से दुश्मन है, और रोहित गोदारा क्योंकि राजस्थान के अंदर आनंद पाल के बाद में वो बड़ा गैंगस्टर बनना चाहता था उसकी सीधी दुश्मनी थी, तो राजू ठेठ को इसीलिए रास्ते से हटाने के लिए उसका शूट आउट कराया गया। और खुद उसकी हत्या के बाद में एक सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी रोहित गोदारा ने, रोहित गोदारा ने पोस्ट करके जिम्मेदारी भी ली थी कि राजू ठेठ की हत्या उसने कराई, और आनंद पाल का बदला लेने के लिए, और आनंद पाल का एनकाउंटर हालांकि पुलिस ने किया लेकिन क्योंकि राजू ठेठ से दुश्मनी थी। दूसरा जो बलबीर बानूरा आनंद पाल का साथी था जिसका जेल के अंदर हत्या कर दी गई, आरोप यह था कि राजू ठेठ गैंग ने उसकी हत्या कराई थी, कहा कि इन दोनों का बदला लेने के लिए राजू ठेठ की हत्या उसने की, ये जिम्मेदारी वो जिस दिन शूट आउट हुआ उसी दिन ये जिम्मेदारी सोशल मीडिया पर रोहित गोदारा पहले ही ले चुका था, लेकिन क्योंकि इन्वेस्टिगेशन हो रहा था कि क्या रोहित गोदारा ही इसके पीछे है या और कोई है, लेकिन अब जो सामने आ रहा है कि रोहित गोदारा ही इसके पीछे, और उसने सोशल मीडिया पोस्ट पर एक उसी दौरान उस पोस्ट में लिखा था कि हमारे दूसरे दुश्मन भी तैयार हो जाए तो क्या राजस्थान के अंदर फिर गैंगवार बढ़ेगी, और क्या राजू ठेठ के बाद में फिर लॉरेंस गैंग के निशाने पर, फिर रोहित गोदारा गैंग के निशाने पर और भी गैंगस्टर है, ये बड़ी चिंता की और चेतावनी की बात है। जाहिर तौर पर राजस्थान पुलिस के लिए भी
कि और कौन से ऐसे गैंगस्टर हैं जिनको रोहित गोदारा रास्ते से हटाने के लिए अपने निशाने पर ले सकता है। तो लगातार इसमें जो जो जानकारी आती है जाएगी हम आपके सामने लाते जाएंगे। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया। गैंगस्टर ठेठ की हत्या साजिश आखिर किसने रची है, ये सवाल सबके मन में। आज हम बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं कि आखिर राजू ठेठ की हत्या किसने करवाई, साजिश किसने रची, शूटर्स को किसने भेजा। शूटर्स गिरफ्तार किए जा चुके हैं लेकिन मास्टरमाइंड कौन है? आप देख रहे हैं देश का नंबर वन न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और मैं भवानी सिंह। तो राजू ठेठ के मामले में बड़ा खुलासा हम करने जा रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पर। आप पहली बार देख रहे हैं कि राजू ठेठ की हत्या की साजिश इसी शख्स ने, जो तस्वीरें आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये शख्स है रोहित गोदारा, जो तस्वीरों में आपको नजर आ रहा है, गैंगस्टर रोहित गोदारा। आपने नाम इसका सुना होगा, रोहित गोदारा का नाम दूसरी बार बड़े रूप में आ रहा। पहली बार इसका नाम आया था मूसेवाला हत्याकांड में। ये रोहित गोदारा गैंगस्टर, लॉरेंस गैंग का गैंगस्टर है रोहित गोदारा, और इसी ने राजू ठेठ की दो दिन पहले हत्या करवाई थी सीकर के अंदर। सीकर में वो तस्वीरें, सीसीटीवी फुटेज आपने देखे होंगे कि किस तरीके से शूटर, चार शूटर आए थे मौके पर, एक शूटर और था जो दूसरी तरफ खड़ा था, चार शूटर आए और उसके बाद में राजू ठेठ अपने घर के बाहर खड़ा था, दहलीज पर खड़ा था। आए चार शूटर में से दो शूटर आगे आए, उन्होंने राजू ठेठ के पेट छुए, फिर सेल्फी ली और फिर राजू ठेठ की कनपटी पर बंदूक रखी, पिस्टल रखी और उसे गोलियों से भून दिया। फिर उसके बाद में एक के बाद एक दनादन उस पर 25 राउंड फायरिंग की। तो सभी के मन में इस सवाल है कि आखिर इतना बड़ा शूट आउट हो कैसे गया, वो भी एक बड़े कोचिंग सेंटर के बाहर, बड़ी एक भीड़ भाड़ वाली जगह जहां पर बड़ी संख्या के अंदर स्टूडेंट है, बड़ी सी रोड, बड़ा सा चौराया, सब कुछ कैसे हुआ। तो अब जो सामने आया न्यूज 18 इंडिया की तहकीकात में सामने आया कि शूट आउट को अंजाम दिया है रोहित गोदारा ने। रोहित गोदारा अभी फरार है। रोहित गोदारा मूसेवाला हत्याकांड में नाम आने के बाद में वो बीकानेर से दुबई गया, दुबई से अजरबैजान चला गया, नाम बदल कर गया था, पवन नाम से उसने पासपोर्ट बनाया, और अजरबैजान से अभी कहा जा रहा है कि वो इटली के अंदर है और उसने विदेश में बैठे हुए इस शूट आउट को अंजाम दिया राजू ठेठ को। राजू ठेठ की हत्या कैसे की गई ये भी बड़ा सवाल है। रोहित गोदारा नहीं, वो विदेशी हथियार, क्योंकि जो उनके पास हथियार मिले शूटर्स के पास में, वो किसी लोकल गैंग के पास में संभव नहीं थे। रोहित गोदारा नहीं, वो हथियार उपलब्ध कराए थे, और इन शूटर में से पांच में से एक मनीष जाट का नाम का शूटर है, मनीष जाट से ही संपर्क में था रोहित गोदारा। इस शूट आउट की साजिश एक महीने पहले रच ली थी और तकरीबन डेढ़ महीने पहले हथियार पहुंचा दिए गए थे शूटर्स को, फिर शूटर्स को ट्रेनिंग दी गई और रोहित गोदारा ने ट्रेनिंग का इंतजाम किया था इन शूटर्स को कि किस तरीके से इस शूट आउट को अंजाम दिया जाना, उसके लिए पहले से जो हथियार उपलब्ध कराए गए थे वो ठीक से चला सकें, इसकी ट्रेनिंग रोहित गोदारा ने इसका इंतजाम किया था मनीष जाट के जरिए। मनीष जाट लोकली यहाँ पर, क्योंकि रोहित गोदारा विदेश में बैठा हुआ था इसलिए एक शख्स चाहिए था, मनीष जाट यहाँ पर इसको लीड कर रहा था ऑपरेशन को। मनीष जाट पकड़ा गया, जो पांच शूटर पकड़े गए उसमें से एक मनीष जाट भी है। तो तमाम हथियार उस तक पहुंचाए गए, फिर उसके बाद में ट्रेनिंग हुई, उसके बाद में साजिश रची गई। साजिश के तहत शूटर्स का, तीन शूटर का एडमिशन कराया गया, जो सामने राजू ठेठ के घर के सामने जो बड़ा नामी कोचिंग इंस्टीट्यूट है उसमें एडमिशन कराया गया। एडमिशन कराने के बाद बतौर स्टूडेंट के तौर पर एडमिशन लिया, क्योंकि वो मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी करा था कोचिंग इंस्टीट्यूट, उसमें एडमिशन दिलाया गया। और उसके बाद में क्योंकि वो स्टूडेंट के रूप में इसलिए कोई शक नहीं करे, फिर पास में ही एक हॉस्टल है, प्राइवेट हॉस्टल है जिसके अंदर वो रहने लगे, और 31 अक्टूबर से लेकर शूट आउट को अंजाम देने तक ये शूटर्स यहीं रह रहे थे। और उसके बाद में रोहित गोदारा मनीष के जरिए संपर्क में था, और जिस वक्त इस शूट आउट को अंजाम दिया गया उससे पहले
उनको बाकायदा सभी एक डिवाइस के जरिए कनेक्ट थे, उनके पास में सभी शूटर्स के पास में एक डिवाइस था जिससे आपस में बात कर सकते हैं और उसी डिवाइस से रोहित गोदारा कनेक्ट था। तो किस वक्त गोली मारनी है, कौन पहले गोली मारेगा, उसके बाद में कौन कहां से गोली मारेगा, राजू ठेठ को सब कुछ प्लान था, पूरे प्लान के मुताबिक हुआ था। एक महीने की रेकी के बाद में जब सब कुछ तय हो गया, रोहित गोदारा ने